जरीन खान बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में से एक है जिन्हें कटरीना कैफ की कार्बन कॉपी कहा जाता है। सालों पहले कटरीना की हमशक्ल बनकर जरीन खान ने बॉलीवुड में एंट्री मारी थी। सालों तक मेहनत करने के बाद भी जरीन खान को बॉलीवुड में वो बड़ा मुकाम हासिल नहीं हो पाया। इस बात का अफसोस जरीन खान को आज भी है। जरीन खान के पास फिलहाल कोई काम नहीं है। हाल ही में जरीन खान ने इस बात का खुलासा भी किया कि किस तरह से कटरीना कैफ उनके करियर के लिए खतरा साबित हुई। जरीन खान ने इस बात सबको बता दिया कि उनका करियर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। हाल ही में जरीन खान भारती सिंह और हर्ष लिमाचिया के पॉडकास्ट शो में पहुंची। इस पॉडकास्ट में अपने करियर के बारे में बात करते हुए भारती सिंह को जरीन खान ने बताया कि सलमान खान की फिल्म वीर से उन्हें बॉलीवुड में एंट्री मिली, लेकिन इस रिलीज के बाद से उनकी जिंदगी काफी खराब हो गई। लोग ये सोच रहे थे कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, लेकिन असलियत में मेरी जिंदगी खराब होती गई। लोग मुझे फेक कटरीना कैफ के नाम से ट्रोल करने लगे। इस फिल्म ने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। रिलीज की शुरुआत में मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी तुलना कटरीना कैफ से की जा रही है, आगे जरीन खान ने कहा। बाद में मुझे एहसास होने लगा कि इसकी तुलना की वजह से इंडस्ट्री के अंदर सब खराब हो रहा है। उस समय मैं काफी मोटी भी थी, ऐसे में मेरी तुलना कटरीना कैफ से होना मेरे लिए काफी बड़ी बात थी। हालांकि मेरे केस में इसका उल्टा असर हुआ। मैं इंडस्ट्री के अंदर एक खोए हुए बच्चे की तरह फील करने लगी। लोगों को लगने लगा कि मैं काफी घमंडी हूँ क्योंकि मुझे सलमान खान ने लॉन्च किया है। जरीन खान ने आगे बताया कि एक समय ऐसा भी आ गया था कि मैं अपने घर से बाहर निकलने में भी डरने लगी थी, क्योंकि लोग मेरे कपड़ों पर भद्दे कमेंट्स करने लगे थे। लोगों ने मुझे अजीब अजीब नामों से बुलाना शुरू कर दिया था। मैं अपने घर से भी भागना चाहती थी, मुझे काम नहीं मिल रहा था। कटरीना कैफ से कंपेयर होने का खामियाजा मैंने ऐसे भुगता है। तो जरीन खान ने अपने बॉलीवुड करियर के फ्लॉप होने का इल्जाम जो है वो कटरीना कैफ पर लगाया है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं कि क्या सच में कटरीना कैफ की जैसी शक्ल होने की वजह से जरीन खान को बॉलीवुड में मुकाम हासिल नहीं हुआ, या वजह कुछ और है?